हम अपना खुद जेडीयू चुनाव लड़ते। कोई भी नेता कोई भी कार्यकर्ता अगर साथ आता है तो मजबूती मिलती ही है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो क्षेत्रीय दल चाहता है कि वो राष्ट्रीय दल में तब्दील हो जाए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश में इस गठबंधन को लेकर भी बातें कहते हैं वो तो नहीं। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, हर दल अपने अपने स्तर से चाहता है कि कोई क्षेत्रीय दल चाहता है कि वो राष्ट्रीय दल में तब्दील हो जाए। और हम लगातार चुनाव लड़ रहे हैं अलग अलग प्रदेश में, पहली दफ़ा नहीं लड़ रहे हैं। और हमने पहले प्रयास किया था कि NDA के तहत हम वहाँ चुनाव लड़ेंगे, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए। निश्चित रूप से अब वो नहीं हो पाया तो हम इंडिविजुअली चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप अपने चुनाव के दरमियान बहुत सी ऐसी बातों को रखेंगे जिसके तहत वहाँ के वोटर्स जो हैं आपकी बात सुने और वो वोट में तब्दील हो, तो उसी के क्रम में ये बातें हुई है। और जो चीज़ें हैं जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल रहे हैं तो वो सत्य है। पूर्वांचल के कई क्षेत्रों पर VIP से गठबंधन आप लोगों ने कर लिया है? नहीं, मैंने सुना है मुकेश सहनी जी का बयान, मैंने जहां तक सुना है, मुझे गठबंधन का तो अंदाजा नहीं है, लेकिन मैंने जो बयान सुना है कि उन्होंने कहा है कि मैंने समर्थन दिया है, यही है। अगर वो समर्थन देते हैं तो ये स्वागत योग्य है। और बाकी वो खुद भी चुनाव लड़ रहे हैं, मिलेगी आप लोगों को? नहीं, निश्चित रूप से। देखिए कोई भी व्यक्ति कोई भी नेता कोई भी कार्यकर्ता अगर साथ आता है तो मजबूती मिलती ही है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। और मुकेश सहनी जी का अपना भी जनाधार रहा है, मेहनत कर रहे हैं वो, और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कम ही दिन में उन्होंने अपने यहाँ एक जगह बना कर रखा है और UP में भी ठीक ठाक उनकी। आखिरी सवाल रहेगा, उत्तर प्रदेश में भाजपा के लिए कितनी मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, खासकर पूर्वांचल में मुख्यमंत्री का प्रभाव क्षेत्र भी माना जा रहा है, निषादों का जनसंख्या भी है उस क्षेत्र में? नहीं देखिए, अब जहाँ तक मुकेश सहनी जी की अगर बात करें आप, तो वो खुद चुनाव लड़ रहे हैं, अपने मुद्दे के तहत लड़ रहे हैं। JDU अपने मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ती है, और हम कहीं भी किसी भी प्रदेश में जब भी चुनाव लड़ते हैं तो हम किसी के विरोध में चुनाव नहीं लड़ते, हम अपने मुद्दे को लेकर के, किस तरह से हमने बिहार में विकास के प्लेटफॉर्म को इस्टेब्लिश किया है उसी मुद्दे को लेकर के जाते हैं। और हम चाहते हैं कि उससे प्रभावित होकर लोग हमें वोट करें, नीतीश जी के नेतृत्व को स्वीकार करें। बाकी मुकेश सहनी जी का अपना वक्तव्य है, अपना उनका चैलेंजेस है, उनके अपने मैनिफेस्टो हैं, उस आधार पर वो स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ रहे हैं, हम अपना खुद JDU चुनाव लड़ रही है। जी, हमारे साथ निखिल मंडल थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव, राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की नदार दी, तमाम सवालों का जवाब दिया है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ जे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। Paytm नंबर नोट कर ली, 9386816700। धन्यवाद।